जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में कई दीवारों पर ब्राह्मण वैश्य विरोधी नारों से विरूपित किए जाने के बाद विवाद छिड़ गया। इसके तुरंत बाद परिसर प्रशासन ने परिसर में बहिष्कारवादी प्रवृत्तियों की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेएनयू सभी का है। देखिए क्या कहा आगरा के छात्र नेताओं ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता मोंटी महेश्वरी ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेएनयू सभी का है और जो ये वामपंथी जिहादी हैं, ये लिख रहे हैं पहले ब्राह्मण और बनिया का इतिहास जान ले। आजादी की लड़ाई में पहली गोली खाने वाले मंगल पांडे ब्राह्मण थे। आगरा शिवसेना के जिला प्रमुख वीनू लवाने ने कहा कि यह जो वामपंथी और जिहादी सोच रखने वाले जेएनयू में कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इस तरह के स्लोगन की हम निंदा करते हैं। जिसने भी यह लिखा है वे पहले ब्राह्मण और बनियों का इतिहास जान ले। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। जिस तरीके से हमारे भारत में चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने जनरल डायर के आगे अपने हाथ नहीं जोड़े थे, उन्होंने मतलब डटकर मुकाबला किया था। ऐसे लोगों को तुम कहते हो कि भारत छोड़ो, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने मतलब अपना मतलब जीवन दे दिया अंग्रेजों के सामने कि तुम मेरा कुछ करके दिखा जाओ। मैं उन लोगों से, जिहादियों से कहना चाहूँगा कि हम ब्राह्मण बनिया हैं, ठीक है, हमने देश के उद्धार के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया है और आप हमसे कहते हो कि हम भारत छोड़ें। असल बात तो यह है कि तुम्हें भारत छोड़ना चाहिए। हाल ही में एक बयान भी आया है सामने, करणी सेना ने बोला है कि अगर जो ब्राह्मण और बनिए जो भारत छोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं, जिनके लिए उनको पहले क्षत्रियों की तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहूँगा? मैं बिल्कुल सत्य कहना चाहूँगा, क्षत्रिय हमारे सामने हमेशा खड़े रहे हैं। मतलब एक कहा जाता है कि ब्राह्मण हमेशा ज्ञान का देवता होता है और जो बनिए होते हैं वो हमेशा मतलब अपना जो रोजगार होता है कोषागार के रूप में उन्हें उपाधि दी गई है, और क्षत्रिय जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए डटकर खड़े रहते हैं, हमारे लिए मुकाबला करने के लिए खड़े रहते हैं। जेएनयू का जो प्रकरण चल रहा है, क्या कही शिवसेना इसको लेकर? देखिए, रात को जानकारी हुई दिल्ली जेएनयू के अंदर कुछ असामयिक तत्वों ने ब्राह्मण और बनियों के खिलाफ भारत छोड़ने का नारे का स्लोगन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थानों में के अंदर देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी अपने आप को भारत माता के पुत्र कहते हैं और उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं की सरकार के अंतर्गत जेएनयू सरकार दिल्ली में, यह जेएनयू की जो बात आई है ये कई वर्षों से लगातार हम देखते जा रहे हैं। जब जब चुनाव होते हैं इस प्रकार के स्लोगन बोले जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भी एक स्लोगन आया था। एक बार आया था ब्राह्मण सबसे बड़ा आतंकवादी है, ये भी आया था। आज रात्रि को जेएनयू की दीवार पर वहां लिखा गया कि बनिए और ब्राह्मण देश छोड़ो नहीं तो खून बहा जाएगा। इस तरह की बातों को लेकर शिवसैनिकों में आक्रोश व्यक्त है। जब जब देश के अंदर कोई भी चुनाव होता है, यह चुनाव के वक्त ही ये सब घटनाएं क्यों होती है? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आपके कार्यकाल के अंदर ऐसी विशिष्ट घटनाओं को उपलब्धि क्यों की जाती है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त केंद्रीय कैबिनेट से लेकर समस्त नेता अपने बयान जारी करते हैं और देश की अव्यवस्थाओं व्यवस्थाओं को लेकर ध्यान भटकाते हैं। ये सब चीज नहीं चलेगी।